गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को पाठ दो, जिसका शीर्षक है गौरा, ये कहानी है, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनेंगे। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं इस कहानी के जो लेखिका हैं, जिनका नाम श्रीमती महादेवी वर्मा है, उनके जीवन का परिचय कराने जा रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहीं इनका जन्म हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक प्रतिष्ठित कवि थे। माता जो इनकी थी, उनका नाम था हेमरानी देवी। हेमरानी देवी भी एक कवयित्री थी। महादेवी वर्मा की शिक्षा 5 वर्ष की अवस्था में 1912 ईस्वी में इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई और साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। 1916 में इनकी विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से इनका विवाह कर दिया गया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई। उसके बाद, शादी के बाद, महादेवी वर्मा जी ने 1919 में बाई का बाग स्थित क्रॉस थ्वेट कॉलेज, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, उसमें प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। महादेवी जी की प्रतिभा का निखार यहीं से प्रारंभ होता है। उसके बाद से महादेवी वर्मा जी ने बहुत सारे उपन्यास, कविताएं, लघु कथा इत्यादि लिखना शुरू कर दिया। जब वो 8वीं कक्षा पास कर ली, तब उन्हें प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 8वीं कक्षा में उन जब वो थी, तो उस समय 8वीं कक्षा का जब वो एग्जाम दी, तो पूरे प्रांत भर में प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। इनकी कविता यात्रा के विकास की शुरुआत भी इसी समय और यहीं से हुई। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। जब वो मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उस समय से वे कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा इत्यादि। महादेवी का संपूर्ण कार्यकाल राष्ट्र और राष्ट्रभाषा की सेवा में समर्पित रहा। इनका जन्म मैंने बताया था आप लोगों को 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां हुआ था। और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज यानी इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे
सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। उसके बाद इनको बहुत सारा सम्मान भी मिला, जिसमें 1956 में इनको सम्मानित किया गया पद्मभूषण सम्मान से। 1956 में पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 1988 में पद्म विभूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीमती महादेवी वर्मा का उपन्यास या कविता या लघु कथा में उनकी जो लेखनी थी वह किस प्रकार सम्मानजनक थी। चलिए इसके साथ ही हम पाठ दो गौरा शीर्षक जो कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस कहानी को मैं आप लोगों के समक्ष ऑडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूँ और इस कहानी के अंत में आप लोगों को या फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस कहानी का सारांश मैं बताऊंगा। आप लोग इस कहानी को जो गौरा कहानी है पाठ दो का आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक में उसको साथ साथ में देखते भी रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला वीडियो इसी पाठ से। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। उन्होंने अपने घर में कुत्ता, खरगोश, हरिण, बिल्ली आदि अनेक पशु पाले हुए थे। एक बार अपनी बहन के कहने से उन्होंने एक गाय भी पाल ली जिसका नाम था गौरा। गौरा का रूप अत्यंत दर्शनीय था। उसे घर के सभी पशुओं से बहुत प्रेम था। वह अपनी आंखों की चमक से अपनी मालकिन के प्रति मूक कृतज्ञता व्यक्त करती रहती थी। वह दूध भी खूब देती थी, एक बार में लगभग 10 लीटर। घर पर गाय आ जाने से लेखिका ने ग्वाले से दूध लेना बंद कर दिया, किंतु उसे दूध दोहने के लिए रख लिया। उस ग्वाले ने गुड़ में सुई लपेटकर गाय को खिला दी। जब यह पता लगा तो ग्वाला अंतर्धान हो गया। लेखिका ने सभी संभव उपचार किए, किंतु अंततः गाय की मृत्यु हो गई। लेखिका ने अपने इस संस्मरण के माध्यम से पशुओं के सहज स्नेही स्वभाव को रेखांकित करने के साथ साथ इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि गोपालक कहलाने वाले इस देश के लोग अपेन तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए पशु हत्या जैसा कितना नीच कार्य करते हैं। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे हुए पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ,
लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सिंग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तरास कर उस पर थोप दी गई हो। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध की दुविधा निश्चय में बदल गई। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी, विशेषतः उसकी काली बिलौरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थीं। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ जाता है। गौरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृत्त पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वल्ल ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारों का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः शाम 10 लीटर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई लीटर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओं का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे पीने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई अस्थाई समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दूहना जानते ही नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अनाभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे।
गौरा को दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। दो तीन मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुंह में ही छिप कर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर पाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेट कर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया, अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा सी कर देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है। परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतनी हृष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पैस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गौरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बांह पर से सरक कर धरती पर आ रहा था। अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया।
परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। श्रीमती महादेवी वर्मा।